अंगिरा ऋषि उत्तर में मुस्कुरा करके कहते हैं अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वह है शौनक जिससे वह अक्षर तत्व अधिगम्यते अनुभूति में आता है। मेरे भीतर में क्षर तत्व और अक्षर तत्व हैं, अक्षर तत्व की अनुभूति यही पराविद्या है। यह एक प्रकार से विश्लेषण हुआ। तो भिन्न भिन्न प्रकार से ये जो जीवन के गूढ़ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का खुलासा करने के लिए वेद हमें प्राप्त होते हैं। कैसे अजीबो गरीब प्रश्न होते हैं, जैसे केनोपनिषद में तो प्रश्न यहीं से शुरू होता है, केनेषितम पतति प्रेषितम मनः। प्रश्न पूछ रहा है शिष्य अपने गुरु से, केन प्राण प्रथम प्रैतियुक्त केनेषिताम वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। भगवान, मन को मनन करने के लिए, विचार करने के लिए कौन प्रेरित करता है? अभी तो बड़ा विचित्र प्रश्न है। मुझसे यदि कोई पूछे, अच्छा मन को मनन करने के लिए कौन प्रेरित करता है, आंखों को देखने के लिए कौन प्रेरित करता है, वाणी को बोलने के लिए कौन प्रेरित करता है, तो सामान्य रूप से मेरा उत्तर होगा, अरे आंखें देखती हैं और कौन प्रेरित करता है, मन विचार करता है और कौन प्रेरित करता है। सामान्य उत्तर मेरा यही होगा। और यह भी कोई पूछने का प्रश्न है, मैं कहता हूं क्यों, क्योंकि मैं आई टेक फॉर ग्रांटेड, मैं मान लेता हूं कि ऐसा ही है। परंतु ये जो उपनिषदों के ऋषि हैं, उन्होंने कोई भी चीज मान नहीं ली। वैज्ञानिक प्रक्रिया का उनके भीतर में दिखाई देता है अनुशीलन, किसी को मान नहीं लेते, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रश्न करते हैं। फिर कितना भी अजीबोगरीब प्रश्न क्यों न हो, क्या विज्ञान के क्षेत्र में ये जो चोटी के वैज्ञानिक हैं अजीबोगरीब प्रश्न नहीं करते? हम पढ़ते हैं न्यूटन बैठा हुआ है बाग में, अचानक देखा सेब का एक फल टूटा, नीचे गिरा। कितनी बार उसने फलों को टूट करके नीचे गिरते देखा होगा, पर कभी प्रश्न उसके मन में नहीं कौंधा। आज अचानक एक प्रश्न कौंध गया, यह फल टूटा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? अब उसका मन मथित होने लगा। यह प्रश्न अपने दोस्तों से उसने किया, दोस्तों ने कहा कि न्यूटन तुम बड़े ही सनकी हो, पागल हो, यह भी कोई पूछने का प्रश्न है? अरे फल टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर कैसे जाएगा? सबने पागल कहा, सनकी कहा, परंतु न्यूटन ने अपना प्रश्न नहीं छोड़ा। उसके मन में उधेड़ बुन लग गई, वह यही सोचने लगा कि आखिर फल टूटा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? पर आप जानते हैं न्यूटन को इस प्रश्न का उत्तर मिला गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में, जो विज्ञान की आधारशिला है। आज का विज्ञान इसी पर खड़ा है। तो मैं यह कह रहा था, ऐसे ही ये वैज्ञानिक थे हमारे ऋषिजन, जिन्होंने कुछ भी मान नहीं लिया, चिंतन किया। तो उपनिषदों के भीतर में ऐसा ही चिंतन दिखाई देता है, और भिन्न भिन्न प्रकार से। एक उपनिषद में एक तरीका पूछने का, दूसरे उपनिषद में दूसरा तरीका। ये दो तरीके तो आपके समक्ष बता ही दिए, केनोपनिषद का तरीका, मुंडकोपनिषद का तरीका। कठोपनिषद का तरीका देखेंगे, एक अलग उसकी विधा, अलग आयाम। एक छोटा सा बालक नचिकेता पहुंच गया मृत्यु के देवता के पास, यमराज के पास, और वहां पर तीसरे वरदान के रूप में उसने ले लिया कि एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न पूछता है, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्य के नायम अस्तित्व चैके ये तद विद्या अनुशिष्ट स्वयाम वराणाम एष वरस तृतीय। भगवान, यह तीसरा वरदान मैं आपसे मांगता हूं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसा संशय है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य बिल्कुल नहीं रहता, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी वह रहता है। आप तो मृत्यु के देवता हैं, आप जानते हैं कि मनुष्य का मरने के उपरांत क्या होता है, कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह तीसरी विधा है।
प्रश्न पूछने के कितने प्रकार हैं ये अलग अलग उपनिषद। और मैंने कहा ये उपनिषद क्या हैं? ये उपनिषद हैं वेद के अंतर्गत। वेद आपके समक्ष मैंने कहा सनातन हिंदू धर्म का यह आधार ठोस, ऐसा यह वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कोई है तो वह है ऋग्वेद। चार वेदों को हम मानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे ये चार वेद। तो ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ। वेद का क्या मतलब है? वेद विद धातु से निकला है जिसका मतलब होता है जानना। तो वेद का तात्पर्य है ज्ञान। तो जो भी ज्ञान है वह वेद है। और यह जो उपनिषद है वह हमें इन वेदों के अंतर्गत प्राप्त होता है। वेद के दो भाग मोटे तौर पर, एक को कर्मकांड कहते हैं, दूसरे को ज्ञान कांड कहते हैं। बहुत संक्षेप में ये दो भाग हैं। कर्मकांड के दो उप विभाग हैं। वे कौन से हैं? एक संहिता और दूसरा ब्राह्मण। और यह जो ज्ञान कांड वाला भाग है उसके भी दो उप विभाग हैं। एक को कहते हैं आरण्यक और दूसरे को कहते हैं उपनिषद। ये ऐसे भाग हो गए। अब आप इससे समझ सकते हैं। तो ज्ञान कांड और कर्मकांड का मतलब क्या है? वेदों का जो ज्ञान कांड वाला भाग है, कर्मकांड वाला भाग है, तो कर्मकांड के दो उप विभाग मैंने आपके सामने कहे। एक मंत्र भाग है जिसको संहिता कहते हैं, दूसरा ब्राह्मण। प्राचीन समय में यज्ञ की परंपरा बहुत थी हमारे यहां। आज भी हम यज्ञ देखते हैं, पर उस समय जो यज्ञ की परंपरा चल पड़ी उसकी अपनी लंबी कहानी है। उस कहानी में हम जाना नहीं चाहते, केवल इतना ही बता देना चाहते हैं कि इस यज्ञ के माध्यम से वह जो मनुष्य था वह देवताओं को प्रसन्न करना चाहता था। आप कल्पना कीजिए, एक आदिम मानव मन की कल्पना कीजिए, जंगल में रहता है, वहां पर कितने प्रकार की शक्तियों से मुठभेड़ लेनी होती है। आंधी चलती है तो उसका घर उजड़ जाता है, जोर वर्षा होती है, बाढ़ आती है, उसकी सारी संपत्ति नष्ट होती है, उसके पूर्वजन नष्ट हो जाते हैं, दावानल लगता है तो सब कुछ जल करके स्वाहा हो जाता है। आप कल्पना कीजिए मनुष्य के मन में प्रकृति की विभीषिकाओं के प्रति यह भाव उभर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ये शक्तियां हैं और ये शक्तियां एक किसी व्यक्ति के भीतर समाई हुई हैं जो उसका अधिष्ठाता देवता है। जैसे आंधी चली तो सोचा कि इस आंधी का कोई अधिष्ठाता देवता होगा, उसको उन्होंने मरुत कहा, पवन कहा। यह वर्षा करने वाला देवता अधिष्ठाता देवता वरुण, अग्नि का देवता अग्नि। मानो इस प्रकार की कल्पनाएं उस समय होती हैं और ये जो प्रकृति की शक्तियां हैं उनका मानवीकरण होता है। हम मनुष्य की दृष्टि से है सब कुछ विचार कर सकते हैं, तो इन शक्तियों का मानवीकरण होता है। ऐसा लगता है कि ये देवता हैं जो अपनी अपनी शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। और ये देवता कैसे हैं? अत्यंत बलशाली, अत्यंत ताकतवर, हम उनके सामने नगण्य हैं। ये देवता अगर पसीज जाएं हम पर तो हम पर कृपा करेंगे, हमारा कल्याण होगा, हमें खुशहाली देंगे। तो उन्होंने यह भी देखा कि आग लगी तो धुआं ऊपर उठने लगा और धुआं ऊपर उठते उठते आकाश में जाकर के विलीन हो गया, तो ये देवता तो दिखाई नहीं देते, कहां होंगे? मानव मन सोचता है कि ऊपर में वे होंगे। जहां पर ऊपर में होंगे उसने कल्पना करके नाम दिया स्वर्ग। स्वर्ग में देवता रहते हैं। अब उनसे संपर्क कैसे करना? देखा कि यह धुआं अग्नि का ऊपर उठता है, ऊपर चला जाता है, विलीन हो जाता है, तो उन्हें ऐसा लगा कि यह धुआं ऊपर की ओर जाता है, तो धुआं के माध्यम से हम संदेशा भेजने की चेष्टा क्यों न करें देवताओं के पास। और इसी प्रकार मानो यज्ञ की परिपाटी जन्म लेती है, उसका इतिहास जटिल, उसका इतिहास लंबा, उसमें हम जाना नहीं चाहते। मैंने तो अत्यंत स्थूल रूप में आपके सामने यह रखा है, और इसलिए
वह सोचता है कि हमें जो बातें बहुत प्रिय हैं उन्हीं बातों की उन्हीं चीजों की आहुति यदि अग्नि में दें और उस देवता से प्रार्थना करें तो देवता हम पर पसीजेंगे, हम पर कृपा करेंगे। तो इस प्रकार यज्ञ और यज्ञ में आहुति की प्रथा चलती है और आप देखेंगे कि उस समय आहुति में किनकी मानो आहुतियां दी जाती थी, हमें जो वस्तु पसंद है उनकी आहुतियां दी जाती थी। हे देव, मैं तुम्हारे प्रति सोम का अर्पण कर रहा हूं, मैं तुम्हारे प्रति इसका अर्पण कर रहा हूं, अमुक का अर्पण कर रहा हूं, तुम मुझ पर प्रसन्न हो। तो ये जो मंत्र है, मैंने कहा कि दो भाग वेद का जो कर्मकांड उसके दो उप विभाग, एक संहिता और दूसरा ब्राह्मण। तो संहिता में ये मंत्र निहित है, ये मंत्र भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से, और ब्राह्मण का मतलब है कि किस देवता के लिए किस मंत्र का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, किस विधि से प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह जो संहिता और ब्राह्मण भाग वेदों का कर्मकांड वाला भाग, वह क्या है, वह यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करना, और ताकि वे देवता प्रसन्न होकर के हमें इस जीवन में सब प्रकार का भोग प्रदान करें और जब हम मर जाएं तो उनके लोकों में चले जाएं और वहां जाकर के जीवन के भोग भोगें। केवल भोग का दर्शन है, इसे मैं आदिम मानव मन कहता हूं। तो वेदों में आप देखेंगे आदिम मानव मन का भी चित्रण है, और अत्यंत परिष्कृत मानव मन जिसने उस ब्रह्म तत्व को जान लिया, उस सत्य को जान लिया और सत्य को जान करके सत्य के साथ एक रूप हो गया, यह जो चूड़ांत परिष्कृत मन है जिसको हम ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, ऐसा मन भी वेदों में दिखाई देता है जो उपनिषदों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो उपनिषदों में वह अत्यंत परिष्कृत मानव मन, इसका दर्शन हमें होता है। तो मैं यह कह रहा था कि वेद क्या है, वेद मानो मानव मन के विकास की गाथा है। कहां से लेकर के आदिम मानव मन से लेकर के हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं जिसके अत्यंत पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ परिष्कृत मानव मन कहा जाता है, वहां तक पहुंचाने की गाथा यह वेदों की गाथा है। तो मैं क्या कह रहा था, कह रहा था कि वैसे तो मनुष्य भोग प्रिय होता है, वह तो चीजें चाहता है अच्छी अच्छी, जीवन अच्छा बने, उसको और तत्व की परवाह नहीं है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से यज्ञ की जटिलता उभरती जाती है और बाद में चल करके तो कर्मकांड कितना जटिल हो गया, यह तो आप पढ़ेंगे पुस्तकों को तो मालूम पड़ेगा। इसी कारण वहां पर कितनी पशु बलि होती है यज्ञ में, जिसके कारण भगवान बुद्ध अलग निकल जाते हैं, उनको इस पर आस्था ही नहीं है। पशु के रक्त से भारत की धरा मानो सिंचित हो जाती है, यज्ञ के धुएं से आकाश आच्छादित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इतनी भीषणता हो जाती है यज्ञ के नाम पर, इतनी पशु बलि होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, यह हम पढ़ते हैं, एक पक्ष है। अब उपनिषदों, ये जो दूसरा पक्ष है जिसको हमने वेदों का ज्ञान कांड कहा, आरण्यक और उपनिषद, तो आखिर में किसी भी समाज में ऐसे लोग तो जरूर रहेंगे जो क्रांतिकारी कहलाते हैं, जो परंपरा को मानना नहीं चाहते, पीटना नहीं चाहते, उसी रेखा को हम पीटते चलें या उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो ऐसे चिंतक किस्म के लोग भी वहां पर थे उस वेदकालीन समाज में, जिनको ऐसा लगा कि स्वर्ग का क्या मतलब है, कि स्वर्ग जाएंगे क्या, कहां रहेंगे, आनंद का भोग करेंगे, और स्वर्ग की कल्पना कैसी कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान जहां पर दुनिया के सारे सुख हैं पर दुनिया का दुख नहीं है, यह मनुष्य कल्पना करता है, जन्नत की कल्पना, स्वर्ग की कल्पना, दुनिया के सुख में दुख मिला रहता है। दुनिया में जो सुख हम भोगते हैं वह तो केवल संवेदना के रूप में भोगते हैं, बहुत बड़ा भाग तो दुख का रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं संसार में सुख मनुष्य के पास आता है सिर में दुखों का ताज पहन करके। यदि आप सुख को ग्रहण करेंगे तो आपको दुख भी ग्रहण करने होंगे, यह तो बिल्कुल सही बात है।
और मनुष्य थोड़ी सी सुख की संवेदना पाने के लिए कितना दुख उठाने के लिए तैयार रहता है, यह तो बड़ी विलक्षण बात है। मैं यह बात कई जगह कहा करता हूं, पता नहीं मैंने यह बात यहां कही कि नहीं। एक बार जब कलकत्ते में व्याख्यान चल रहा था, हम लोग मैदान में से होकर के जा रहे थे, अगस्त का महीना था, वहां बड़ी लंबी कतार थी, पानी के दिन और लंबी कतार, मानो क्यू में खड़े हैं हजारों लोग। मैंने मित्र से पूछा कि यह कतार किसके लिए है, कहा कि कल फुटबॉल मैच होने वाला है, उसकी टिकट खरीदने के लिए यह कतार लगी है। पेड़े खाते हुए वही बाहर मैदान में कि टिकट मिले, तो सुख की संवेदना कितनी देर की होती है, एक घंटा खेल चलेगा, तो एक घंटा सुख की संवेदना पाने के लिए मनुष्य कितने घंटे दुख उठाता है, यही तो जीवन की कहानी है कि हम थोड़ी देर सुख की संवेदना पाने के लिए कितना बड़ा दुख का पहाड़ अपने सिर पर उठाते हैं। इसका नाम है जीवन, इसका नाम है संसार। तो ऐसे चिंतक किस्म के लोग थे जिन्होंने कहा कि क्या यह तुम स्वर्ग की कल्पना करते हो, अरे ऐसा कोई स्वर्ग हो सकता है कि जो हरदम बना रहे, तुम क्या सोचते हो कि स्वर्ग बना रहेगा। वैदिक कर्म कांड में आप यह देखेंगे कि ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां केवल देवता हैं, भिन्न भिन्न देवता हैं। हम देवता की तरह तरह से मानो उपासना करें, यज्ञ के माध्यम से वे देवता हम पर प्रसन्न हो जाएं, इस जीवन में हमें भोग प्रदान करें तरह तरह के, और मरने के बाद स्वर्ग में भोग प्रदान करें, यह कल्पना वैदिक कर्मकांड की है, यह धारणा है उनकी। तब ऐसे चिंतक किस्म के लोग आए जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, यह जीवन का सार सर्वस्व नहीं है। कहा कि परीक्ष लोकान, यह स्वर्ग क्या है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यक्तृतक्तृतेन। कहा कि अरे तुम लोग इतना सारा श्रम करते हो, यज्ञ के धुएं से अपने शरीर को काला कर रहे हो, कभी तुमने विचार किया है कि जिन लोगों की प्राप्ति के लिए तुम इतनी चेष्टा करते हो वे लोग भी क्षणभंगुर हैं, क्षणस्थायी हैं, कितने वर्ष वहां पर तुम रहोगे। तो परीक्ष लोकान कर्म चितान, कर्म से जो लोक बनते हैं निर्मित होते हैं, हम पढ़ते हैं मुंडक उपनिषद में, कर्म से जो लोग बनते हैं निर्मित होते हैं, थोड़ा तो चिंतन करो कि कितने साल तक वह लोक टिकेगा जहां तुम जाओगे। कर्म से जो बना है वह तो कर्म के समान ही क्षणभंगुर होगा, जो कर्म स्वर्ग लोक दिलाता है वह सीमित है, इसलिए कर्म का फल भी सीमित होगा। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो, ऐ ब्राह्मणो, ब्राह्मणों का मतलब जो जन्म से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्रह्म की जो अनुसंधित्सा करता है, जिज्ञासा करता है, गवेषणा करता है, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, ऐसा है जो ब्राह्मणों, तुम जो ब्रह्म को जानने के लिए चले हो, सत्य, ब्रह्म का तात्पर्य सत्य से हम लोग देखेंगे, ब्रह्म का तात्पर्य सत्य से, ऐ ब्राह्मणों तुम लोग एक बार विचार तो करो, जो इतना तुम करते हो तो स्वर्ग कैसा है, कितने समय तक टिकने वाला है। नास्ति अकृतः कृतेन, कृत के द्वारा अकृत नहीं मिलता है, कृत माने जो किया गया है, समय के भीतर है, देश और काल के भीतर है, उससे तुम ऐसा फल कैसे पाओगे जो देश और काल से परे है, तो कृत के द्वारा अकृत नहीं मिलता है। तो तद इसीलिए निर्वेद माया, वैराग्य को प्राप्त हो यह जो तुम कर रहे हो। नास्ति अकृत अकृतेन, अगर तुम सचमुच में उस अकृत को जानना चाहते हो जो किसी भी कर्म के फलस्वरूप पैदा नहीं हुआ, जो शाश्वत है, हो तद विज्ञानार्थम सब गुरु में वाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो वह जाए गुरु के पास समित पाणी होकर के। समित पाणी का मतलब उपनिषदों की परंपरा में मानो विनय प्रदर्शित करते हुए जाए और जाकर के गुरु के पास, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उस गुरु के पास जाए जो श्रोत्रिय है, जिसको श्रुति का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, और एक विशेषण और जोड़ दिया ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है। मुझे शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है पर मैं यशोनिष्ठ हो सकता हूं,
मैं धननिष्ठ हो सकता हूं, शास्त्रों के ज्ञान के विनिमय में धन की इच्छा रख सकता हूं, मैं अपना पांडित्य प्रदर्शित करके धन कमाने की बात मन में सोच सकता हूं कि मुझे यश मिले, नाम मिले, पैसा मिले, यह मेरे शास्त्र ज्ञान का लक्ष्य हो सकता है। तो मैं ठीक ठीक गुरु कहलाने योग्य नहीं हूं, तो गुरु कौन है? जो श्रोत्रिय है, शास्त्रों का ज्ञाता है और उसके साथ ही साथ ब्रह्म निष्ठम, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है, सत्य में निश्चित है, तुम उसके पास जाओ। यह क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं एक विरोध शुरू होता है, कर्म कांड का इस ज्ञान के साथ विरोध होता है। ये जो ज्ञान का रास्ता हमारे समक्ष प्रकट करने वाले ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये ज्ञान मार्गी हैं। ये ज्ञान मार्गी कहां मिलते हैं? उपनिषदों में। उपनिषद आते हैं जहां पर जो ज्ञान मार्गियों के द्वारा बनाए गए ये उपनिषद हैं, वहां यह चिंतन है, जीवन के प्रश्नों पर विचार है, तो ये लोग जाते हैं। जैसे हम मुंडक उपनिषद में देखते हैं, वहां पर यज्ञ हो रहा है एक स्थान पर, 16 ऋत्विज, ऋत्विज माने जो यज्ञ कराते हैं वे, और 2 यजमान और यजमान की पत्नी, ऐसे 18 लोग बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। वहां पर ये पहुंच गए और पहुंच करके ये चिंतक किस्म के लोग क्या कहते हैं? अरे तुम लोग कैसे मूर्ख हो, इस यज्ञ के सहारे उस परम तत्व को पाना चाहते हो। प्लवाही एते अधुरा यज्ञ रूपा अष्टादशोत्तम यवरम येषु कर्म एतच्छेयो ये भी नन्नन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवाप्यन्ति। कैसे मूढ़ हो, ये जो तुम 18 लोग बैठे हो या यज्ञ कर्म कर रहे हो, अरे यज्ञ कर्म को तुमने नौका समझ ली है, पर कभी सोचा है यह नौका सही है, सुदृढ़ है, ठीक है या जीर्ण शीर्ण है? अरे तुम विचार करके देखो, तुम इस नौका में, यज्ञ रूपी नौका में बैठ करके भवसागर को पार करना चाहते हो, यह नौका कैसी है? प्लवाहिएते अधृढ़, यह अधृढ़ है या जीर्ण शीर्ण है, पता नहीं कब नौका टूट जाएगी, कब तुम लोग सारे के सारे डूब करके मर जाओगे, और तुम लोग इसमें बैठ करके भवसागर को पार करना चाहते हो। एतच्छेयो ये भी नन्दन्ति मूढ़ा, जो इसको श्रेय मानते हैं वे मूढ़ हैं। जरा मृत्युं ते पुनरेवाप्यन्ति, वे जरा और मृत्यु मानो इसका ग्रास बनते ही रहेंगे। यह स्वर है, यह उपनिषदों का स्वर है, यह स्वर सुनाई देता है यहां पर, यह ज्ञान कांड का स्वर है, चिंतकों का स्वर है, तो मानो यह टक्कर सी मालूम पड़ती है। तो ये जो उपनिषद है ये वेद के ही भाग, और इन्हीं उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। वेदांत का मतलब वेद का अंत। तो सामान्य दृष्टि से वेद का अंत का क्या मतलब है? कि वेद का अंत माने अंतिम अध्याय, जहां पर वेद समाप्त हो रहा हो वह वेदांत, ऐसा अर्थ ध्वनित होता है। पर यह उसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है वेदांत का, जैसा मैंने कहा वेद का मतलब ज्ञान, तो वेदांत का मतलब ज्ञान का अंत, ज्ञान की पराकाष्ठा। तो ज्ञान की पराकाष्ठा जहां पर वर्णित है वह है वेदांत, वही है उपनिषद। जैसे हम पढ़ते हैं वेदांत सार में, वेदांतो नामो उपनिषद प्रमाणम, वेदांत क्या है? वह उपनिषद के प्रमाण पर आधारित है। प्रमाण का मतलब प्रमा माने ज्ञान, और प्रमाण का मतलब ज्ञान का तरीका, ज्ञान की पद्धति। तो उपनिषदों के माध्यम से जो ज्ञान पद्धति हमें प्राप्त होती है उसे वेदांत कहते हैं। तो उपनिषदों के भीतर में यह चरम ज्ञान है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसे क्या होता है? यह जो जन्म और मृत्यु का जो ठेला चलता रहता है, मानो वह ठेला खत्म होता है। तो प्रश्न उठता है, जन्म और मृत्यु का ठेला चलता है तो जन्म और मृत्यु माने जीवन से भागना, क्या उपनिषद यही सिखाता है? यहां पर एक बात मैं कह दूं, यह जो उपनिषद शब्द है संस्कृत में स्त्रीलिंग है, परंतु हिंदी में पुल्लिंग है, हिंदी में उसे पुल्लिंग में चलाया जाता है, इसीलिए जब भी मैं उपनिषद शब्द का व्यवहार करता हूं तो पुल्लिंग में करता हूं। वैसे संस्कृत में उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में चलता है। जो तो मैं यह कह रहा था कि उपनिषदों के भीतर में यह कहा गया, बताया गया, जीवन की प्रणाली प्रदर्शित हुई। जैसा मैंने कहा अभी ही आपके समक्ष, मानो
इसी के आधार पर यह वेदांत का तत्व ज्ञान खड़ा है। यह उपनिषदों का जीवन दर्शन माने वेदांत का जीवन दर्शन, यह जीवन की प्रणाली। कैसी प्रणाली? अलग अलग उपनिषद में अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित हुई है, पर इस समय हम ईशावास्योपनिषद को ले लेंगे। और जैसे अगले वर्ष विचार होगा तो उपनिषदों का जीवन दर्शन के अंतर्गत कभी केनो उपनिषद ले लेंगे, कभी कठोपनिषद ले लेंगे, कभी मुंडकोपनिषद ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे। तो अभी इन तीन दिनों की व्याख्यान माला में हम लेना चाहते हैं ईशावास्योपनिषद को। यह आपके समक्ष ले लेंगे कि इसमें जो जीवन दर्शन दिखाया है किस पद्धति से, लक्ष्य में कोई अंतर नहीं, लक्ष्य वही है जिसको हम कहेंगे आत्मज्ञान, आत्मलाभ। किसी भी प्रकार से आप उसे व्यक्त करें, आत्म साक्षात्कार, उस लक्ष्य को पाने की विधि में अंतर हो सकता है। जैसे पहाड़ की चोटी है, अब पहाड़ की चोटी पर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, तो इन रास्तों का सौंदर्य क्या है, अलग अलग रास्ता हमारे समक्ष किस प्रकार से आता है। तो जैसे एक एक रास्ते का अपना अलग सौंदर्य, वैसे ही हर उपनिषद का अपना अलग सौंदर्य है। तो इन तीन दिनों में इस ईशावास्योपनिषद का सौंदर्य कहां है, उसकी विशिष्ट मोहकता कौन सी है, यह आपके समक्ष रखेंगे और उसके माध्यम से जीवन दर्शन को समझने की चेष्टा करेंगे। तो ऐसा अद्भुत यह उपनिषद है। एक बड़ी अद्भुत बात तो कही शोपेनहावर ने, आप जानते हैं जर्मन दार्शनिक, और उनकी बात का पोषण किया मैक्स मूलर ने। इन द होल वर्ल्ड देर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स। इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द हाइएस्ट विजडम, इट इज डेस्टिन्ड, बहुत सुंदर बात कहते हैं, सूनर और लेटर टू बिकम द फेथ ऑफ मैनकाइंड। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं शोपेनहावर। इट इज डेस्टिन्ड सूनर और लेटर टू बिकम द फेथ ऑफ द मैनकाइंड। इफ दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर कहते हैं, ये कह रहे मैक्स मूलर, इफ दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर नीड एनी सॉर्ट ऑफ, बड़ी अद्भुत बात उन्होंने कही कि अगर इसकी जरूरत है शोपेनहावर की बात को, अगर आप कहें कि मैं पुष्ट कर दूं, आई विलिंगली गिव माई कन्फर्मेशन, इफ दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर नीड एनी कन्फर्मेशन, आई विलिंगली गिव इट एज अ रिजल्ट ऑफ माई लाइफ लॉन्ग स्टडी। ये मैक्स मूलर के शब्द हैं। लाइफ लॉन्ग स्टडी उन्होंने की है। हम जैसे थोड़े से पन्ने पढ़ लेते हैं और ज्ञाता बन जाते हैं, ऐसे ये लोग नहीं है। ये लोग जीवन अपना देते हैं, जीवन का रक्त उसमें देते हैं। इफ वहां उन्होंने कहा कि ये जो शोपेनहावर के शब्द हैं, यदि कन्फर्मेशन की आवश्यकता है, पुष्टि की आवश्यकता है, आई विलिंगली गिव इट एज अ रिजल्ट ऑफ माई लाइफ लॉन्ग स्टडी, मैं बहुत आनंद के साथ देता हूं। कैसे? अपनी जीवन भर के अध्ययन के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि शोपेनहावर ने जो कहा है वह बिल्कुल सत्य है। और वह सत्य क्या है? वे कहते हैं इट इज डेस्टिन्ड सूनर और लेटर टू बिकम द फेथ ऑफ द मैनकाइंड। यही मनुष्य जाति का फेथ होगा, धर्म कह लीजिए हम अपनी भाषा में, कि यदि मानव जाति का कोई धर्म होने वाला है निकट भविष्य में या सुदूर भविष्य में, तो यह उपनिषदों का दर्शन ही है। क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का संप्रदाय चस्पा किया हुआ नहीं है, यह मनुष्य का धर्म है, यह आत्मा पर खड़ा धर्म है, और आत्मा में किसी प्रकार का अंतर है ही नहीं, वह तो एक ही है। इसीलिए ऐसा अद्भुत दर्शन हमारे समक्ष आता है। अब ईशावास्योपनिषद का स्थान कहां पर है, यह हम देखने की कोशिश करेंगे। ईशावास्योपनिषद, इसमें जैसे आपके समक्ष कहा, अब मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात समझा सका हूं, ये उपनिषद हैं जो वेदों का ज्ञान कांड, उसके अंतर्गत ये उपनिषद प्राप्त होते हैं, जहां पर विचार है, जहां पर वर्णन है, जहां पर जीवन के प्रश्नों को पूछा गया और उन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, जिससे हमारा जीवन दर्शन तैयार होता है, जिसके बल पर हम अपने जीवन की गतिविधियों को ठीक ठीक नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। ऐसा अद्भुत उपनिषद। वैसे तो परंपरा के अनुसार कहते हैं कि 1180 उपनिषद थे,
एक एक वेद के अंतर्गत वेद की शाखा, वेद की शाखाएं अलग अलग हुई, कई प्रकार की शाखाएं हुई, तो ऐसे 1180 शाखाएं वेद की थी, एक एक शाखा में एक एक उपनिषद, ऐसा कहा जाता है। परंतु अभी जो उपनिषद हमारे समक्ष आते हैं 200 के करीब आते हैं, और 200 में से तो कई उपनिषद बड़े अर्वाचीन हैं। एक अकबर के जमाने में उपनिषद लिखा गया, उसका नाम अल्लाहोपनिषद है। तो ऐसे कई उपनिषद हैं, पर 108 उपनिषद ऐसे हैं जो माने जाते हैं महत्वपूर्ण। और ऐसे 108 उपनिषदों में शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं।